नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में महिलाओं के फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम लोग महिलाओं की बात करते हैं तो अगर उनकी जॉब लगती है तो एक तरह से उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है घर से, परिवार से। और किसी भी महिला की जॉब लगती है दोस्तों तो उनको अलग खुशी होती है। यानी कि अगर हम पुरुषों की जॉब की बात करें तो उनका एक अलग सेंटिमेंट होता है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि उनको अपने पैसे को किस तरह से मैनेज करना चाहिए जिससे कि आगे चल करके उनको कोई दिक्कत ना आए, ना पैसे की दिक्कत आए, ना ही कोई अगर इमरजेंसी पड़ती है तो उसकी दिक्कत आए। तो वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग पुरुष हैं तो किसी ना किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आप अपनी हाउसवाइफ को कुछ जेब खर्च देते हो अपनी, तो उनको भी इनके बारे में पता चलेगा कि हमें अपने पैसे को किस तरह से यूज करना चाहिए। और अगर आप लोगों की बेटी है, बहन है, तो इसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जिससे कि सभी को एक डायरेक्शन मिल पाए कि उनको किस तरह से अपने पैसे को यूज करना है और किस तरह से वो रियली में फाइनेंशियल फ्री हो सकती हैं। आप देख रहे हैं द इंडियन फीवर चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इंडियन फीवर चैनल में स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है अगर किसी की भी जॉब लगती है या फिर कहीं से भी कोई कमा रहा है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष, उनको अपने बजट को क्रिएट करना आना चाहिए कि आने वाले समय में किस तरह के खर्चे होने चाहिए। जैसे कि कई बार लोगों की जॉब लगती है तो वो खुशी में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, 1 से 2 महीने 3 महीने तक वो एंजॉय ही करते रहते हैं। फिर क्या होती है कि उनको उस चीज की लत लग जाती है। जैसे ही उनकी सैलरी आती है वो उसको खर्च कर डालते हैं, फिर आने वाले 10 दिनों के बाद फिर से वही रोना हो जाता है। तो आप लोगों को सबसे पहले अगर सैलरी आती है तो उसके 2 दिन पहले बैठ करके अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना है कि आप लोगों को कहाँ कहाँ खर्चे करने हैं, कहाँ कहाँ से आप लोगों को पैसे बचाने हैं। मैंने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया है कि आप लोग किस तरह से अपने पैसे को बचा सकते हैं, कहाँ कहाँ से खर्चे काट सकते हैं। मैं आप लोगों को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा या फिर चैनल पर जाकर के आप लोग उसको जरूर सर्च करके देखिएगा। अब दूसरी चीज आती है दोस्तों कि आप लोगों को अपने पैसे को बढ़ाने की सोचनी चाहिए। जैसे कि आप लोग किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या फिर कोई आप लोगों को पैसा दे रहा है, कहीं से ऑन कर रही हैं आप लोग, तो आप लोगों को अपने पैसे को थोड़ा सेव करना चाहिए और थोड़ा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में आ रही हैं तो आप लोगों की एज के अकॉर्डिंग, रिस्क के अकॉर्डिंग और आप लोगों की सेविंग के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए अलग अलग तरीके के फंड्स हैं और अलग अलग आप लोगों की सेविंग है। जैसे कि बैंकों के डिपॉजिट्स चल रही हैं, आप लोग एफडी करवा सकती हैं, आप लोग आरडी करवा सकती हैं, पीपीएफ खोल सकती हैं, वगैरह वगैरह। आप लोगों के सामने कई सारे इन्वेस्टमेंट हैं। आप लोग मिनिमम 500 रुपए, यहां तक कि 100 रुपए से अपना डेली सेव कर सकती हैं अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। अब ये दोस्तों आप लोगों का या फिर कह लें बहनों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो बहनों आप सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा सेव करके जाती हैं और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके जाती हैं तो आप लोगों का पैसा कंपाउंड के माध्यम से काफी बड़ा अमाउंट क्रिएट हो जाता है आप लोगों की छोटी छोटी सेविंग से। अगर आप लोगों ने 500 से 1000 भी सेविंग स्टार्ट की तो आप लोगों का आने वाले समय में लाखों रुपए तक का क्रिएट हो सकता है और उतना पैसा आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि आप लोगों का कहां जा रहा है। आप लोग अगर उसको इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि मैं कहां इन्वेस्ट करूं या फिर मुझे कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं या फिर आप लोग मेरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को वहां पर कई सारी फाइनेंशियल प्लानिंग की वीडियो बताइए, कई सारे म्यूचुअल फंड्स को सीखने और समझने और साथ ही आप लोगों किस तरह से चूज कर सकते हैं अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड, वो भी सिखाया है। तो आप लोग उसको जाकर के देखिए और सीखिए। साथ ही यहां पे आप लोगों के लिए तीसरी चीज आती है कि आप लोग अपनी पैसे को सेव करके कहीं ना कहीं एक ऐसा एसेट क्रिएट करें जहां से आप लोगों को अर्निंग होती रहे। जैसे कि आप लोगों के पास एक जॉब लग चुकी है, अगर आप लोग महीने का 40 से 50 हज़ार कमा रही हैं तो कुछ 5 सालों तक अच्छी सेविंग कीजिए कि एक आप रेंट हाउस क्रिएट कर सके जहां से आप लोगों को रेंट आ सके। या फिर लड़कियों का सपना होना चाहिए, क्योंकि एक तो जब माँ बाप उनको बड़े करते हैं तो वो फिर उनकी शादी हो जाती है तो वो भी पराई घर की हो जाती है और ससुराल वाले भी उनको पराई घर का ही मानते हैं। तो अगर आप लोगों के पास खुद का घर होगा तो आप लोगों की अलग फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, अलग तरीके की फीलिंग होगी आप लोगों की। अब यहां पे आप लोगों से नेक्स्ट चीज मैं शेयर करना चाहूंगा और मैं कहूंगा लास्ट चीज, आप लोगों को मैं ज्यादा गुमराह नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों के सामने कुछ ज्यादा चीजें रख दो तो आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे तीसरी और आखिरी चीज की आप लोग अपने आप को सिक्योर कीजिए।
अगर आप घर की इकलौती हैं, कमा रही हैं, तो आपको सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए। अगर आप छोटी एज में खरीदती हैं, तो एक तो आप लोगों को प्रीमियम कम भरना पड़ेगा, ऊपर से आप लोग एक यूज अमाउंट अपनी फैमिली के लिए छोड़ के जा सकती हैं, यानी कि अगर आपके बीच में कुछ हो जाता है या फिर कह लीजिए अन एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है, तो आप लोगों का फैमिली आप लोगों के बाद सिक्योर रहेगा, यानी कि आप लोग उनको करोड़ों तक का कवर दे सकते हैं, उनको भी फाइनेंशियल फ्री कर सकते हैं अपने जाने के बाद। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का 10,000 तक का सालाना प्रीमियम आता है अगर आप लोग बढ़िया टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं, करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं अगर आप लोगों की एज 20 साल है। और थोड़ा बहुत यहां पे आप लोगों की इनकम भी मैटर करती है, तो आप लोग किसी भी टर्म इंश्योरेंस को चूज करते समय अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को ध्यान रखिएगा, और आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट में और आने वाले 20 सालों बाद आप लोगों की फैमिली को किस तरह के पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। मैंने आप लोगों को बताया है कि टर्म इंश्योरेंस आप लोग किस तरह से खरीद सकते हैं, और टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ आप लोगों को अपना लाइफ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। जैसे कि बीच में कभी कभी क्या होता है कि हेल्थ इमरजेंसी पड़ जाती है, हेल्थ इमरजेंसी पड़ जाने के बाद फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ता है, या फिर आप लोगों को कहीं से अपनी FD तुड़वानी पड़ती है, अपना जो भी डिपॉजिट चल रहा है या फिर कहीं आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो उसको फिर आप लोगों को तुड़वाना पड़ता है, फिर आप लोगों का जो पैसा बन करके आना चाहिए वो पैसा फिर बन नहीं पाता है। इसलिए आप लोग अपनी छोटी से छोटी एज में, यानी कि जैसे कि आप लोग 18 की भी हो गई हैं, 20 की भी हो गई हैं, अगर 30 की भी हैं, तो आप लोगों को इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों को साथ में लेकर के चलना चाहिए। बाय चांस कभी इमरजेंसी आ गई, हार्ट की दिक्कत हो गई, आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पे वो चीज आपको कवर करेगी और आप लोगों को इमरजेंसी फंड में मदद कर सकेगी। इमरजेंसी फंड की बात आ गई दोस्तों, तो आप लोगों को कुछ चीजें इमरजेंसी के लिए भी बचा करके रखनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों का सेविंग अकाउंट है, आप लोगों को कम पैसा देता है, 3-4% रिटर्न देता है आप लोगों के जो भी पैसे डाला है उस पे सालाना, लेकिन आप लोगों का वो इमरजेंसी फंड होता है, यानी कि वहां से आप लोग जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। तो कुछ पैसे आप लोग अपने सेविंग अकाउंट में रखिए, आने वाले 2 महीने तक के खर्चे अपने सेविंग अकाउंट में रखिए, फिर उसके बाद आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे स्टार्ट करते रहिए अगली सैलरी से। तो इस तरह से महिलाएं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। साथ में जो लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, अगर आप पुरुष हैं तो अगर आपने अभी तक अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी है तो आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं, ये केवल महिलाओं के लिए ही नहीं है, आप लोग भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही है, उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। बाकी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर करके उनको जरूर बताएं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अगर आप लोग इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।